हम चाहते हैं कि जैसा हमारी गवर्नमेंट चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो गुंडे हैं वो दौड़ते नजर आए, उनकी से समाज के विभिन्न विषयों पर न रहे, वो दौड़ते हुए कानून की गिरफ्त में रहे। और इसलिए गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तारी, FIR, गिरफ्तारी और थीम बेस, जैसा मैंने कहा, गैंगस्टर लगाए जाएंगे। उसके साथ साथ आर्थिक रूप से उनकी नकेल कसनी है और इसके लिए प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के लिए आज हमने पत्र फिर सभी यहाँ स्थानीय संस्थाओं को, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, सब रजिस्ट्रार्स, 450 बैंक ब्रांचेस, ARTO, SSP, सभी को दिया है। और ये कहते हुए कि यदि एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी सेक्शन 14(1) में जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा कि अब उनके यहाँ इन जो लिस्ट में गैंगस्टर्स के नाम हैं उनकी कोई चल अचल संपत्ति उनके संज्ञान में है, उन्होंने दे दी है, उसके बाद उनका अटैचमेंट होगा। और जैसा कि आप अवगत हैं कि पूर्व में जो एक्साइज हमने की उसमें 48 अचल संपत्ति अटैच किया, जो यहाँ 10 साल में शायद नहीं हो पाई थी, वो 3 महीने में अटैच हुई। आगे इस पर दबाव और बढ़ेगा। सर, जो गैंगस्टर लगाई है वो किन किन तरह के जो माफिया हैं उन पर लगाई है? वो लिस्ट है, आपको दे दिया है, लेकिन मैंने कहा कि उसको डाइवर्सिफाई किया है, ट्रेडिशनल माफियाज के साथ साथ गैंगस्टर्स के साथ साथ, जैसे जो रोग बिल्डर्स हैं उन पर लगी है, दूध क्षेत्र में जो लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं उनके ऊपर लगी है, राशन माफिया है उनके ऊपर लगी है, खनन माफिया है उनके ऊपर लगी है। तो वैरायटी ऑफ पीपल में जो भी उसमें पात्रता रखते हों और जिले की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की स्थिति में हैं, उनके ऊपर कानूनी रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये प्रशासन का स्पष्ट मंतव्य है।